तो सर भाई ने राम राम। मेरा नाम राहुल अत्री साहब, देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो सबसे पहला थोड़ा स्वागत है भाई साहब। आज जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने लग रहे हैं वो है डीजे वाले बाबू फिल्म का रिव्यू। आज आपने बतावांगे कि यह मूवी आपने देखनी चाहिए कि ना देखनी चाहिए। तो अगर आप स्टोरी की बात करें, एक बहुत दमदार स्टोरी है, जैसा कि टिपिकल बॉलीवुड मूवी हम वो एक रहे, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, और बाद में जो मूवी के लास्ट में एक रहे जो आपने पूरी मूवी चेंज करके दिखा दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सका है। सस्पेंस, कुछ कमियां रही मूवी में जो नज़रअंदाज करने लायक हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आपने मूवी क्यों देखनी चाहिए। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न कि ये हरियाणा की मूवी है। हरियाणा की मूवी होने के नाते आपने यह मूवी जाके सिनेमाघर में देखनी चाहिए। इसके बाद हरियाणा नया उठेगा फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर चुका है, वीडियो बहुत ऊंचे लेवल की आवे हैं हरियाणा में, लेकिन यह मूवी पहला बहुत ऊंचे लेवल की आई है। गुरु प्रोडक्शन ने इसके ऊपर पैसा लगा रखा है और गुलजार एज ए मेन डायरेक्टर ले रखा है। तो गुरु प्रोडक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा में पैसा इन्वेस्ट करने खातर और इतनी बढ़िया मूवी देने खातर। तो अगर आप पॉजिटिव्स की बात करें, पॉजिटिव क्या क्या थे। सबसे पहला गुलजार की एक्टिंग, गुलजार सनीवाल ने जो इसमें एक्टिंग करी है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि पहली मूवी थी, पहला रोल था मेन लीड एक्टर का। तो वो अपने उम्मीदा पर खरे उतरे हैं, डायलॉग बढ़िया बोल रखे हैं हरियाणवी बोली में। दूसरी पॉजिटिव की बात करें आप, तो मजबूत स्टोरी है जो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में हुआ है, जो ड्रामा मूवी हो उसके अंदर बहुत बढ़िया स्टोरी है, आपने फिल्म बहुत पसंद आएगी। तीसरी बात है बढ़िया स्क्रीन प्ले। कई बार क्या हुआ है कि आप स्टोरी तो सोच लिया हाँ बढ़िया स्टोरी है, लेकिन उसको एग्जैक्ट स्टोरी को स्क्रीन पर उतारना, दर्शकों के समझ में आवे वैसी बनाना, उसने कहेगा स्क्रीन प्ले, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपका स्टोरी समझ में आवे सीन बाय सीन। क्या हुआ है जो हरियाणवी मूवी आप बहुत दूसरी देखा, हाँ जो सबसे बड़ी कमी रहा है सीन के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज करना, मतलब जो जिसका सीन चल रहा है उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया जज करा है, जो सीन गला है मैच हुआ था। जो एक और बढ़िया बात लगी मैंने इस मूवी की, डायरेक्टिंग डायरेक्टर थे मनदीप बैनीपाल जी, पंजाब के जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने बढ़िया डायरेक्ट करके बढ़िया मूवी बनाई रखी है। कई बार क्या हुआ है अगर डायरेक्टर बढ़िया हो ना, अगर एक्टर थोड़ी लो क्वालिटी का तो उसने बढ़िया निखैर कर लिया हुआ है, तो वही काम मनदीप बैनीपाल जी ने इस मूवी में कराया है। कि गुलजार की पहली मूवी थी उसका से आपता बढ़िया एक्टिंग करवाई गई है। मेरे इंटरव्यू में मनदीप बैनीपाल जी ने कह भी रखा है भाई अगर 50 भी हो ना एक्टर तो 100 बनाना उसकी डायरेक्टर की जिम्मेदारी हुआ है। अगर मैं एक और पॉजिटिव की बात करा, दमदार डायलॉग डिलीवरी है इस मूवी के अंदर। एक मूवी ने फेमस होने वास्ते उसके डायलॉग जो जुबान पर अटैच है लोगों के वैसी होनी चाहिए, तो इसमें भी एक गुलजार ने डायलॉग बोल रखा है जो मूवी का हिस्सा था कि हम हरियाणा बोर्ड की छात्रा मैडम, ऐसा कुछ वो रिपीट हो रहा है 2-3 बार, तो बहुत बढ़िया लगा वो डायलॉग भी। और भी है ये बात है पार्ट की, ये ऐसे कुछ डायलॉग हैं जो मूवी को बहुत बढ़िया बनाए हैं। इवा बात करेंगे मूवी की छोटी छोटी कमियां के बारे में जो मैंने लगा आपने नज़रअंदाज आपने करनी चाहिए। मैं शुरू शुरू में मूवी आपने थोड़ी बोरिंग सी लगेगी, और बोरिंग क्यों लगेगी क्योंकि सीन सा कनेक्शन नहीं होता आपस में कि एक सीन के बाद कौन सीन आना चाहिए और वो सीन दूसरा सीन के अकॉर्डिंग मैच होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे जब गुलजार छनोला कॉलेज में जावा है तो उससे ज्यादा लड़का हुआ है, तो उस तक एक सीन को जबरदस्ती बनाने वास्ते शास्त्री कपड़े पहनाए जावे हैं, जो कि फिल्म की स्टोरी को देखते हुए मैच नहीं करते वो चीज़, क्योंकि एक शास्त्री की स्टोरी बनाई जावा है थोड़ी ही मजाकी, एक फिल्म में थोड़ा हंसी मजाक भी है ओ जे, लेकिन वो थोड़ी बनी बनाई सी लगा फिल्म में रोल सूट बैठती नहीं, क्योंकि कई जगह गुलजार छाने वाला बहुत ही सिंपल तरीका का बालक हुआ है, फिर अगले सीन में वो गुंडागर्दी करने लग जाए, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाते नहीं उसका, तो ये भी एक थोड़ी सी कमी लगी मैंने। एक कई जगह गोली का जो सीन हुआ है, गोली मारा है, ऑडियो नहीं होती, तो ये छोटी सी कमी थी। अच्छा, एक जगह गुलजार की हालांकि पहली फिल्म थी उससे आप नज़रअंदाज कर सकते गलती ना, कि जहाँ जहाँ रोने की एक्टिंग है ना उसकी थोड़ी सी अननेचुरल सी लगे है। जो गुंडा का रोल है वो मुकेश तिवारी दिया गया, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, विलेन का रोल भी करे हैं जिसे ना आप वसूली भाई का नाम तो जानो हो, उसके सीन काफ़ी कम दिखा रखे हैं गुंडे के, काफ़ी कम स्क्रीन प्ले दिखाया गया उससे, तो छोटी सी कमी थी एक मन लगी, क्योंकि तो उससे बहुत टाइम देना चाहिए था जबकि वो गुंडा था। एक और जो अननेचुरल सी चीज़ लगा है मूवी में वो है गुलजार के फाइटिंग सीन। गुलजार के फाइटिंग सीन में आपने देख के नहीं लगा जैसे कि मतलब कि वो खड़ा खड़ा ही लग रहा है सीन जमान मुक्के जमान, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अननेचुरल सी लगेगी आपने। वो एक जो इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है माही गोड़ की और गुलजार सिनेवाला की, उसमें फीलिंग सी नहीं आती जैसे एक लव स्टोरी एक्चुअल फीलिंग आएगा, लेकिन हालांकि लव स्टोरी का इस फिल्म में भाग था थोड़ा सा ये, लेकिन वो थोड़ा सा भी बहुत दमदार नहीं था। एक जो सीन की मैं बात करूंगा वो है सीन 70 लास्ट में है मूवी के, जो आपने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लगा और आप
ताड़ी बजा के बाहर निकलोगे। एंड में एक बात कर लिया, कभी कभी एक मूवी में ऐसा हुआ है हीरो तो अपनी छाप छोड़ कर जावा है, लेकिन एक हीरो के साथ वाला रोल अपना छाप छोड़ जी है। वो जो हीरो के साथ वाला रोल की जो छाप छोड़ दी है वो है आशीष नेहरा जी ने, जो जेड में गुलजार छानी वाला गला है उसका दोस्त का किरदार निभावा है, और उस गला बनाए के वो आप मूवी में जाकर देखिए। लेकिन जो सूरज का किरदार निभा रखा है ना आशीष नेहरा जी ने, काफी दमदार है, पॉइंट टू पॉइंट एक्टिंग करके उसके अंदर जबरदस्त एक्टिंग करके आपके मन में छप जाएगा उतार, और आप उसको कभी भूल सकते, ऐसा उनका किरदार है। तो कुल मिलाकर अपना अगर आप 100 में इस मूवी ने नंबर देने चाहवा तो आप 100 में 70 नंबर मूवी ने देश कहा। बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे टाइम अकॉर्डिंग सब चीज़ें इंप्रूव होंगी, हरियाणा उठेगा तो सबने काम मिलेगा, देख के जरूर आइए मूवी ने। लास्ट बात ये है, सबके इंटरव्यू अपने चैनल पर पड़े हैं, गुलजार छानेवाला का, माही गोड़ का, डायरेक्टर मनदीप बेनीपाल का, आशीष नेहरा का अपने सामने आ जाएगा थोड़े दिन में, इसने स्टोरी लिखी है उसका इंटरव्यू अपने चैनल पे पढ़ा है, तो जाके आप जरूर देखो जाके और सपोर्ट करो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।